अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो में हम बात करेंगे देवनार बकरा मंडी के अपडेट का। जैसे कि आपको पता है, ट्यूसडे का दिन है और देवनार बकरा मंडी हफ्ते में दो बार लगती है, एक सैटरडे के दिन और आज ट्यूसडे के दिन। सो आज हमने विज़िट की देवनार मंडी। आज हमने अराउंड 3:30 और 4 के बीच में विज़िट की और एक घंटा में देवनार में था। फ्रेंड्स, आज ट्यूसडे की मंडी थी और आज जो बकरे, बकरियाँ और जो मेंढे, इनके अगर टोटल आपको संख्या बताऊं तो अराउंड 26,000 जानवर इन टोटल आए हुए थे आज मंडी में। ये मंडी मॉर्निंग से ही लग जाती है, सुबह में 8 बजे से लगना शुरू हो जाती है। 1 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी यहाँ पर आ जाते हैं। ये मंडी की एक सबसे बड़ी खासियत ये है फ्रेंड्स के बकरे, बकरियाँ, मेंढे, हर टाइप का एनिमल आपको यहाँ पर मिलेगा। जैसे कि मैं बहुत सारी मंडी ऑल ओवर इंडिया विज़िट किया हूँ, बहुत बार जो मंडी होती है वो काफ़ी स्पेसिफिक होती है कि इधर पे सिर्फ बकरियाँ आती है, इधर सिर्फ बनूर आते हैं या इधर ये नस्ल आती है। लेकिन देवनार बकरा मंडी एक ऐसी मंडी है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको हर नस्ल का जानवर देखने के लिए मिलेगा। इन पर्टिकुलर कुछ जानवर सीज़न वाइज ज़्यादा होते हैं, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं करोली के बच्चे आपको ज़्यादा क्वांटिटी में दिखेंगे, गुजरी थोड़े कम दिख रहे हैं अभी एंड सिरोही भी कम दिख रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं और सोजत भी आना शुरू हो गए फ्रेंड्स। सो आज की जो मंडी थी काफ़ी अच्छी थी। लास्ट जो मंडी थी सैटरडे की, उसमें तो अराउंड 65-70,000 बकरे आए थे, लेकिन ये मंडी में कम बकरे आए और बहुत सारे बकरे पिछली मंडी के भी बचे हुए थे। सो ऑल टुगेदर माल इतना नहीं आ पाया, बट देन ऑल्सो काफ़ी अच्छे बकरे देखने मिले, काफ़ी बड़े बकरे भी देखने मिले। जैसे कि मुस्तकीम भाई भी बड़े बकरे लाते हैं, वैसे और 2-3 भाइयों ने हमारे बड़े बकरे लाना स्टार्ट कर दिया है। सो अगर आप देवनार जाएंगे ट्यूसडे या सैटरडे को तो आपको हर वेट हाइट का बकरा देखने के लिए मिल जाएगा और ख़ास करके कुछ पर्टिकुलर नस्ल तो ज़रूर मिलेंगी, जैसे कि कोटा हो गई या सिरोही या गुजरी हो गई। फ्रेंड्स, बहुत सारे बकरे गुजरात से भी आ रहे हैं, जैसे कि कच्छ एरिया से, गुजरात से, जो लंबे बाल वाले बकरे होते हैं उनकी हाइट काफ़ी अच्छी होती है और सिंह कोटा के जैसी होती है, तो वो बकरे आ रहे हैं। कच्छ के मेंढे भी ज़्यादातर आते हैं एंड यहाँ से, जैसे मैं बताता हूँ हमारे हर वीडियो में, बहुत सारे बकरे अलग अलग स्टेट में भी जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, मेरा ये बताने का और ये सब बोलने का मकसद ये है कि अगर आप अपने एरियाज़ में मंडी विज़िट करेंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि बहुत सारा माल देवनार की मंडी से ही जा रहा है, क्योंकि ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है और पूरे राजस्थान से माल यहाँ पर आता है। सो फ्रेंड्स, ये था देवनार बकरा मंडी का आज का अपडेट, ट्यूसडे मार्केट का अपडेट। एंड फ्रेंड्स, आने वाले दिनों में आपको और भी वीडियोस देखने मिलेंगे अलग अलग ब्रीडर्स के, फार्मर्स के। एंड मैं अभी आने वाले दिनों में बता दूँ आप लोगों को फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा कॉन्सनट्रेट करूँगा फ्री ग्रेजिंग पर, क्योंकि मैंने कुछ जो बहुत ही एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे बात की है। एंड देन आने वाले दिनों में आपको ग्रेजिंग के ऊपर काफ़ी वीडियोस देखने मिलेंगे। जैसे स्टॉल फीडिंग तो काफ़ी फेमस हो गया है, लेकिन उसके साथ हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा वो उतना एक्सपेंसिव भी होते जा रहा है। सो फ्री ग्रेजिंग के उपाय क्या हो सकते हैं, उस बारे में हम लोग आने वाले दिनों में बात करेंगे और वीडियोज़ बनाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं यशोदना गोट फार्म जो गया था इन बेंगलोर नियर मैसूर, वहाँ पर ज़्यादातर सब इंग्लिश में मैंने वीडियो किए थे, तो इंशाल्लाह आज रात में, ट्यूसडे की इवनिंग में, आज रात में मैं घर जाके ऑफिस से मैं बहुत चीज़ें उससे ट्रांसलेट करूँगा और आप तक आज शाम तक एक और वीडियो लाऊँगा यशोदना गोट फार्म के बारे में। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आप लोग अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।